बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत 18 साल से बॉलीवुड में काम कर रही हैं। अब उनकी फिल्म इमरजेंसी रिलीज के लिए तैयार है, जिसने ना सिर्फ उन्हें एक्टिंग का ही बल्कि इसे डायरेक्ट भी किया है। वो इसका खूब जोरों शोर से प्रमोशन कर रही हैं। इसी दौरान कंगना ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कंगना ने कहा कि उन्हें एक्टर बनना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, डायरेक्टर का काम करना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। कंगना ने बताया, मुझे एक्टर होने से बहुत नफरत है, मुझे इतनी ज्यादा नफरत है कि आपको बता नहीं सकती। क्योंकि क्या है ना कि आप सेट पर आते हैं, आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, कौन सा सीन करना है, आप बस हमेशा सोचते रहते हैं कि हो क्या रहा है। कंगना ने आगे बताया कि हम सब एक्टर हटकर आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, इन सब में बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है और हमारे पास समय भी सीमित होता है। इतने साल मेरी लाइफ के बेस्ट साल थे, इसके बाद आते ही असिस्टेंट डायरेक्टर जो बोलते हैं कि हम तैयार हैं, और जब आप तैयार हो जाते हैं तो वो कहेंगे रुको रुको, चाहे आप मेन लीड ही क्यों ना हो, मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है। कंगना का हालांकि कहना है कि उन्हें फिल्म मेकर होना बहुत ज्यादा पसंद है, डायरेक्ट करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और डायरेक्टर बनना भी। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है, मैं आपको बता सकती हूँ, मैं उन बेहतरीन डायरेक्टर्स में से हूँ जो एक एक्टर की अहमियत समझते हैं। एक्टर सेट पर मेरे फेवरेट लगते हैं और मुझे वो मेरे फेवरेट लोग हैं, मुझे उन्हें गाइड करना बहुत ज्यादा पसंद है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी की बात करें तो इसमें कंगना के अलावा अनुपम खेर, श्रेयस तपड़े, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमन और दिवंगत एक्टर सतीश कौशिक भी शामिल होंगे। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।